एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जबां दराज का मुंह नोच ले कोई। उस्ताद शायर जॉन एलिया के शेर की याद आई है कथित बेवफाई के एक वायरल घटना पर। प्रयागराज की इस घटना में शामिल है सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या और उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक ज्योति मौर्या के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन पहले ये कहानी शुरुआत से जान लीजिए। ज्योति और आलोक की शादी 2010 में ही हो चुकी थी। दोनों की दो जुड़वा बेटियां भी हैं। आलोक ने अपनी पत्नी को पिता से पैसे लेकर पढ़ाया। पढ़ने में तेज ज्योति ने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि अव्वल भी रही। ज्योति का रैंक 16वां और महिलाओं की श्रेणी में तीसरा था। लेकिन जैसा कि पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी ज्योति का होमगार्ड में कमांडेंट पद पर तैनात मनीष दुबे के साथ अफेयर शुरू हो गया। पहले आपको आलोक मौर्या के आरोपों को उनकी ही जुबानी सुनवाते हैं। सर, इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में। सर वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो उसके कारण मारे जाओ। बिल्कुल सर बहुत जास्ती हो रही है सर। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर मेरी जान जाती है, कुछ भी मेरा होता है, इसके पूरे पूरे जिम्मेदार सचिन मौर्या हैं, ज्योति मौर्या और जिला कमांडेंट गाजियाबाद के कारण ही मेरी जान जाएगी। आलोक मौर्या ने न सिर्फ अपनी पत्नी पर बेवफाई के आरोप लगाए हैं बल्कि रिश्वत लेने जैसे गंभीर मामले के सबूत तक जमा कर दिए हैं। आलोक मौर्या ने होमगार्ड हेडक्वार्टर्स में अपनी एसडीएम पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या द्वारा रिश्वत और गलत तरीके से पैसे लेने के आरोप है। आलोक ने मीडिया को 100 पेज की डायरी सौंपी है जिसमें उन लोगों की डिटेल्स हैं जिनसे ज्योति मौर्या ने पैसे लिए। इसमें एक महीने में 6 लाख से भी अधिक अवैध कमाई का जिक्र है। बता दें कि होमगार्ड के DIG VK मौर्या ने यह केस डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच के लिए सौंप दिया है। संतोष कुमार ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है जिसमें बरेली शुगर फैक्ट्री में ली गई रिश्वत का आरोप भी शामिल है। बता दें कि ज्योति मौर्या 2019 से 2021 तक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर कौशाम्बी T Division में तैनात थी। आरोप है कि अक्टूबर 2021 में ज्योति मौर्या ने 6,04,000 रुपए अवैध तरीके से कमाए। पति आलोक ने आरोप लगाया कि पत्नी ज्योति का मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है। उसने पति को न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच ज्योति मौर्या के खिलाफ
जांच शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर काफी बहस मुबाइसा देखने को मिला। हर मुद्दे पर गाना बनाने वाले भोजपुरी सिंगर्स ने भी इस मौके को लपका और बना दिया ये गाना, SDM बनते ही भूल गई लू। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मामला सिर्फ बेवफाई या अनैतिकता का नहीं बल्कि रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप भी आलोक मौर्या ने बकायदा सबूत के साथ होमगार्ड हेडक्वार्टर्स में जमा कर दिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।